Hello friends, good morning. Welcome to Arise Intensity Academy. आज आपको हम chapter 17 का diphones का, इससे पहले हमने आपको dot vowel के साथ angular sign के बारे में बताया था. आज आपको हम dash जो angular sign है उसका आज के बताएंगे और 79 point number. तो शुरू से लेके लास्ट का वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आएगा. तो यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि डैश का जो प्लेस है, चाहे वो फर्स्ट प्लेस में है, चाहे सेकंड प्लेस में है, चाहे थर्ड प्लेस में, दो साउंड जो आएगा उसके बाद तुरंत तीसरा चौथा जो भी आएगा साउंड, तो उसका जो डैश के साथ एंगुलर साइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डैश वोवेल एंगुलर साइन इसका डॉट का जो साइन था उसका ठीक अपोजिट है. तो यहाँ पे एग्जांपल में पहला वर्ड है हमारा कोऑपरेट. देखिए को ओ फिर ऑपरेट, यानी एक दो तीन चार साउंड कंटिन्यू आ रहे हैं. तो आपको क्या करना है कि पहले तो कोऑपरेट लिखना है. तो को हमारा यहाँ बना, पी बना और रेट में ये हाविंग हो गया. ये हो गया हमारा जो ओ का साउंड आ रहा है, यहीं पे आपको एंगुलर का साइन बनाना है, जो हमने इंडिकेट के लिए बस बताया था लिख करके. ये अब इसका साइन जो है एंगुलर साइन यहाँ पे लग जाएगा. ये हमारा कंप्लीट वर्ड कोऑपरेट हो गया. अगर होगा बोयल इंडिकेट करना है तो यहाँ पे रेट लगा सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है कोऑपरेशन. सेम कोऑपरेशन में भी वही है, के बनाना है, यहाँ पर पी बनाना है, आर अपवर्ड बनाना है और ये सन का हुक इंडिकेट करना है और यहाँ पे साइन कोऑपरेशन का लगा देना है. तीसरा वर्ड है फॉलोइंग. तो फॉलोइंग आपको लिखने आता ही है, एफ बनाना है, एल बनाना है और इंग जोड़ देना है. फॉलोइंग में ये डैश है हमारा फर्स्ट प्लेस का इंडिकेशन और लोइंग में जो है यहाँ पे हम लगा देंगे. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ड्रॉइंग. ड्राइंग आपको लिखने आता ही है, तो ड्राइंग डी आर का हुक है और इंग हो गया. अब देखिए यहाँ पे साइन कहाँ लगाना है डैश का, ड्राइंग यानी फर्स्ट प्लेस में है तो यहाँ पे लगा देंगे. नेक्स्ट वर्ड है ग्रोइंग. ग्रो आपको लिखने आता ही है, तो जी आर का यहाँ पे लगाना और इंग का जोर देना है और यहाँ पे एंगुलर साइन इंडिकेट किया हुआ है ग्रोइंग, यहाँ पर ग्रोइंग हो गया. नेक्स्ट वर्ड है नोइंग. नोइंग में भी सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, एन बनाना है और इंग बनाना है. तो एन यहाँ बनाना है और इंग थोड़ा डार्क में होगा और ओ का आ रहा है तो यहाँ पे एंगुलर साइन लगा देना है. नेक्स्ट हमारा है लोअर. तो लोअर में एल हमारा अपवर्ड बनेगा और आर अपवर्ड ऐसे, यानी कि आर किस डाउन में बन जाएगा जो दो आर होते हैं, तो यहाँ पर ओ का एंगुलर साइन यहाँ लगा देंगे. फिर है लोवर्स. यहाँ पे आर एस अगर लगाना है तो एल करके ऐसे और यहाँ पे एस का सर्कल लगा देंगे. फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोएम. पोएम जो है पी और एम बनाना है, सिंपल है, जो आपने पी बनाया, एम बनाया और ओ के लिए यहाँ पे एंगुलर साइन लगा दिया. सोइंग ऐसे और इंग, ये हो गया एंगुलर साइन. ऑक्रिंग. ऑक्रिंग यानी कि के आर का है, यहाँ पे लगेगा, फर्स्ट प्लेस का है लेकिन ओइंग जो है थर्ड हो गया, ओ इंग, यहाँ पे हमारा एंगुलर साइन लग जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है ज्वेल. तो ज्वेल में जे बनाना है, एल अपवर्ड बनाना है. अब देखना ये है कि आपको कहाँ पे ज्वेल वेल इल जो है इसके अकॉर्डिंग लगाया है, यहाँ पे लगा दिया है. तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 78 का डैश वोवेल एंगुलर साइन फिनिश हो गया है. अब नेक्स्ट जो है 79 पॉइंट है, द कंसेक्यूटिव वोवेल्स इन वर्ड्स लाइक क्वेश्चन आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइन
जो यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन ये जो है, जो क्वेश्चन से साउंड वाले वर्ड हैं उससे रिलेटेड वर्ड आते हैं की यू से, तो हमें इसका एंगुलर साइन जो है ये बनाना है, डॉट वाला जो साइन हमने बनाना सीखा है। तो पहला वर्ड है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन आसानी से आप लिख सकते हैं, देख जैसे कि क्वे का साउंड बड़ा है और ये छोटा है, इसमें सन का भी है तो आप यहाँ पे एस भी बना सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल सर्कल और ये। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे लगाना है साइन, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इसमें व का भी साउंड है, एस का भी है, और फिर लास्ट में तीन चार साउंड है एन के साथ। अब आपको लगाना कहाँ है ये आपके साउंड को डिपेंड करता है। थर्ड प्लेस में यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ पे वॉयस तो है ही, फर्स्ट प्लेस में वो तो आप पढ़े ही हैं, लगाना हो लगा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। गार्जियन नेक्स्ट वर्ड है हमारा, गार्जियन। तो गार्जियन कैसा है, सिंपल है, सॉरी गार्जियन नहीं है, नेक्स्ट हमारा यूनियन है। यूनियन वाई से है, यू का और वाई का, यू का कोई स्ट्रोक नहीं बनाया शॉर्ट हैंड में, तो आपको वाई ही यहाँ पे बनाना होगा, साउंड उससे रिलेटेड है। तो यूनियन में क्या करना है, वाई यहाँ बनाना है और एन जो है हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे चाहेंगे लास्ट में एन कहे तो यहाँ पे इंडिकेशन कर सकते हैं यूनियन। अब यहाँ पे आपको एंगुलर साइन कहाँ लगाना है, यहाँ लगा दीजिए, ये वोवेल्स लगा दीजिए। सजेशन नेक्स्ट वर्ड है, सजेशन। सजेशन आपने पढ़ाई है, एसटी का लूप भी है और जे भी है, तो एस का और जे सन ऐसे आप बना सकते हैं सजेशन में। अब आपको चाहेंगे तो यहाँ पे हमारा साइन लगा सकते हैं और वोवेल हमारा इंडिकेटर ये है। नेक्स्ट वर्ड है मिलियन, ये टी बन गया है, इसको हम मिलियन की स्पेलिंग दोबारा से लिख देते हैं। तो मिलियन में भी कई साउंड आ रहे हैं, आपको एम बना के एल बना के यहाँ पे और यहाँ पे साइन जो एंगुलर बना सकते हैं। लास्ट हमारा है गार्जियन। तो गार्जियन में देखिए जी आर का भी साउंड है और एन का भी है, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे एंगुलर साइन लगाएंगे। गार्जियन में थर्ड प्लेस में लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 17 का डिफोन्स 78 और 79 फिनिश हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट लगे प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और हमारा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। और हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।